विश्व बाघ दिवस पर देहरादून में बाघ जागरूकता को लेकर फेयरलेस बाघ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का आयोजन दून आर्ट काउंसिल और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया। वहीं प्रदर्शनी का शुभारंभ सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम और रंजन कुमार मिश्रा अपर प्रमुख वन संरक्षक ने किया। ये प्रदर्शनी 16 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। वहीं इस मौके पर सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि पिछले कुछ सालों में बाघ संरक्षण की दिशा में उत्तराखंड में अच्छा कार्य किया कर रहा है। वहीं हमारे जिम कार्बेट में टाइगर की संख्या बढ़ी है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ग्लोबल टाइगर डे, जिसको इंटरनेशनल टाइगर डे भी कहा जाता है, 29 जुलाई 2010 से ही शुरू हुआ था, आज 12 साल हो गया है हमारे पास। और जिस प्लेस के साथ हम शुरू किए थे कि डबल होना चाहिए भारत में, उसका संख्या हमने 2018 में ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज यहाँ पर हमने इकट्ठा हो रखे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सभी एज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका फोटोग्राफ्स एवं उनका पेंटिंग्स यहाँ पर है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन। अच्छा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में टाइगर कंजर्वेशन में उत्तराखंड ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे जिम कार्बेट जो मेजर टाइगर रिजर्व है उसमें टाइगर्स की संख्या बढ़ी है, और ये अच्छा संकेत है और होपफुली ये वर्क आगे भी कंटिन्यू रहेगा।